हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब एंड माय सेल्फ अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं मेरी आज की इस वीडियो में हमारे सीजी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपकी जो है त्रिमासिक परीक्षा जो कि चल रही है, आकलन जो कि आपके चल रहे हैं, तो उसमें आपको 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से प्रोवाइड कराती आई हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको जो दो क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जैसा कि आपको भी पता है 20 मार्क्स के होता है आपका जो ये प्रोजेक्ट वर्क है, आपको इसमें 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा रही हूँ। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये उसका आंसर है, और सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। सो इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका 10 मार्क्स का है, वो है रहीम व कबीर के नीतिपरक दोहों का संकलन कीजिए। यानी कि रहीम के और कबीर के जो दोहे हैं उनका संकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, रहीम और कबीर दोनों ही उच्च कोटि के कवि और दार्शनिक थे। उनके दोहों में जीवन के हर पहलू को शामिल किया गया है। रहीम और कबीर के कुछ नीतिपरक दोहे ये रहे। तो इसमें से हमने कुछ दोहे लिखे हैं, आप अगर चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है कि आप इस तरीके से अपना आंसर प्रोजेक्ट वर्क का लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखे हैं कबीर के दोहे। इसी तरीके से अगर आप जैसे मैंने हेडिंग बनाई है इसमें लिखेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो फर्स्ट वाला हमने जो इसमें लिखा है दोहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, करका मन का डारी के मन का फेर। ठीक है, सेकंड है, मुसलमान के पीर आलिया, मुर्गी मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह है, घर ही करे सगाई। थर्ड है आपका, चिंटी के पग नुपुर, बाजे सोभी साहस सुनता है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा। तो ये हमारे तीन दोहे तो हुए कबीर जी के, और फिर ऐसे ही जो है दो दोहे हमने यहाँ पे लिखे हैं रहीम जी के। इसको देखिएगा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। फिर आपका सेकंड वाला है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी इठिलह लोग सब बाँटी न लहे कोई। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ के बारे में एक आपकी पोयम है, वो भी 10 मार्क्स का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा है आपके एग्जाम्स के लिए भी, है ना। तो स्टे ट्यून गाइज, और नेक्स्ट वीडियो आपको बाकी किस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क।